सवाल है कि दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के नाम से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इनका नाम चेंज किया गया या स्कूल ही चेंज हो गया? पहले ऑक्सफोर्ड यहाँ पर था स्कूल। इस पर मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक या इंटरनेशनल स्कूल जो संचालित हो रहे थे, क्योंकि स्कूल खोलना बहुत ही आसान है, आज के डेट में पैसे की लोगों के पास कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ अभिभावक बच्चे को स्कूल में देते हैं, उनका फॉर फ्यूचर, उनका कैरियर बेहतर हो, वह एक दो वर्ष में उसका समाधान नहीं हो पाता है। पूर्व के डायरेक्टर, पूर्व के संस्थापक उसमें फेल नज़र पर आते गए, उन्हें लगा जो कि आने वाला समय मेरी स्कूल बंद हो जाएगी। अंत में उन्होंने आदमी की खोज करना शुरू किया, संजोग से मुझसे वार्तालाप हुई और मैं उन्हें आश्वस्त किया कि मैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल के नाम से मैं स्कूल संचालित नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक जो मैनिफेस्टो है, मैं बिहार का इंचार्ज हूँ दार्जिलिंग पब्लिक एजुकेशन फाउंडेशन का, मैं दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के नाम से नामकरण करते हुए मैं बिरौल अनुमंडल में एक शिक्षा का अलग जगाऊंगा। आज दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कमलपुर बिरौल दरभंगा के प्रांगण में दिनांक 22 जनवरी 2023 दिन रविवार को दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का शुभारंभ कार्यक्रम माननीय बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी, माननीय मुकेश सहनी जी पूर्व मंत्री बिहार सरकार, माननीय डॉक्टर शंभू शरण सिंह वरीय क्षेत्रीय निदेशक इग्नू दरभंगा, प्रोफेसर डॉक्टर मुनेश्वर यादव विभागाध्यक्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता विश्वविद्यालय हिंदी विभाग ललित नारायण विश्वविद्यालय दरभंगा, प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार विभागाध्यक्ष हिंदी पटना विश्वविद्यालय दरभंगा के करकमलों के द्वारा बिहार का यह चौथा विद्यालय दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल की शुभारंभ इन महानुभाव के करकमलों से शुरू होने जा रहा है। इस शुभारंभ कार्यक्रम से पूर्व आज बिरौल अनुमंडल के माननीय पत्रकार बंधु के नेतृत्व में यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के बारे में मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको अवगत कराना चाहूँगा कि यह जिला का यह पहला पब्लिक स्कूल है जिसमें 60% शिक्षक दार्जिलिंग के ट्रेंड एवं अनुभवी शिक्षक कार्यरत होते हैं, ऐसा दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का एक मैनिफेस्टो है। जिला का यह पहला पब्लिक स्कूल होगा जिसमें भारत सरकार की अपनी प्रकाशित जो राष्ट्रपति अवार्डेड राइटर होते हैं उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक NCERT के ही पुस्तकों से पढ़ाई होना अनिवार्य है। पहला पब्लिक स्कूल होगा बिरौल अनुमंडल का, जो मैं इनोग्रेशन के अवसर पर सम्माननीय अभिभावकों से भी मैं और उन्हें आश्वस्त करूंगा कि इस दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का कैंपस लैंग्वेज सिर्फ 6 महीना के अंदर में 100% इंग्लिश होगा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो हमारा विलुप्त हो रहा है, हमारा दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का जो एक मैनिफेस्टो है उसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कंप्लीट उजागर करते हुए बच्चों के किताबी कीड़ा न बनाते हुए उनके ऑल एक्टिविटी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ विकास करना दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का पहला उद्देश्य है। बंधुवर, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं यहाँ के अभिभावकों को अवगत कराना चाहूँगा कि यह दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें एक बार बच्चे यदि नर्सरी में एडमिशन करवाते हैं या 5 में एडमिशन करवाएंगे या 9th में एडमिशन करवाएंगे, उन्हें बार बार री एडमिशन का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा जब तक बच्चा 10+2 नहीं कर पाएगा। साल में कई बार जो टर्म फी के नाम पर शोषण किया जाता है, इस दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में टर्म फी के नाम पर शोषण नहीं किया जाएगा। सभी मार्गों पर व्यवस्थित वाहन की सुविधा उपलब्ध किया जा रहा है। इस स्कूल कैंपस में दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा व्यवस्थित हॉस्टल की भी
व्यवस्था है। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे बिरोल अनुमंडल के अभिभावकों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि यह पहला पब्लिक स्कूल होगा जिसमें न्यू एडमिशन वाले बच्चे के वर्किंग डे में एक महीना का मैं समय लूँगा। एक महीना के अंदर में यदि उनके बच्चे का विकास उनके सामने में नज़र नहीं आवे तो मैनेजमेंट आश्वस्त करती है कि वो अपने बच्चे को एडमिशन फी के सहित वापस कर ले। मैं अभिभावकों के सहयोग से, अपने विद्यालय के अनुभवी शिक्षकों के सहयोग से इस दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का नाम रोशन करूंगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आज आपके बीच प्रेस वार्ता के रूप में उपस्थित हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः इस प्रेस वार्ता के माध्यम से गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं निदेशक बिल्टू साहनी, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कमलपुर, बिलोल, दरभंगा। सर, एक सवाल है कि दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के नाम से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इनका नाम चेंज किया गया या स्कूल ही चेंज हो गया? पहले ऑक्सफोर्ड यहाँ पर था स्कूल। इस पर मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक या इंटरनेशनल स्कूल जो संचालित हो रहे थे, चूँकि स्कूल खोलना बहुत ही आसान है, आज के डेट में पैसे की लोगों के पास कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ अभिभावक बच्चे को स्कूल में देते हैं, उनका फॉर फ्यूचर, उनका कैरियर बेहतर हो, वह एक दो वर्ष में उसका समाधान नहीं हो पाता है। पूर्व के डायरेक्टर, पूर्व के संस्थापक उसमें फेल नज़र आते गए, उन्हें लगा जो कि आने वाला समय मेरी स्कूल बंद हो जाएगी। अंत में उन्होंने आदमी की खोज करना शुरू किया, संजोग से मुझसे वार्तालाप हुई और मैं उन्हें आश्वस्त किया कि मैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल के नाम से मैं स्कूल संचालित नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक जो मैनिफेस्टो है, मैं बिहार का इंचार्ज हूँ दार्जिलिंग पब्लिक एजुकेशन फाउंडेशन का, मैं दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के नाम से नामकरण करते हुए मैं बिरोल अनुमंडल में एक शिक्षा का अलग जगाऊँगा, इसलिए मुझे ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल के बैनर को बंद करते हुए दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल जो हमारे नेतृत्व में है उसे करना पड़ा। इस 2023 में बच्चे के एडमिशन पर और बच्चे को क्या फैसिलिटी दी जाएगी सर? सर, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में 6000 रुपया एडमिशन फीस था। चूँकि आप प्रेस वार्ता में आप मुझसे पूछ रहे हैं, अभी हमारा जो एडमिशन स्ट्रक्चर है वह 5500 रुपया निर्धारित है, जो हमारा मैनेजमेंट का निर्णय है। उस 5500 रुपया में रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फी और कुछ नॉर्मल जो हमारा डेवलपमेंट, चूँकि मैं बच्चे को सारी सुविधा उपलब्ध कराऊँगा, उसमें अटैच है। लेकिन जरिस अभिभावकों का ऐसा डिमांड हुआ तो मैं शुभारंभ कार्यक्रम के दिन मैं बिरोल अनुमंडल के अभिभावकों के लिए एक तोहफा दूंगा, जिसकी घोषणा मैं उस शुभारंभ कार्यक्रम में करूंगा। गरीब बच्चे के लिए क्या सर छूट मिलेगी यहाँ? सर, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल भारत सरकार की RTE एक्ट के नियमों को 100% पालन करती है और करेगी। जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो 25% वन में एडमिशन लेना है, वह निस्संदेह इस स्कूल में भी 25% बच्चे का स्टैंडर्ड वन में एडमिशन होगा। इसके बाद मैं आपको जानकारी कर दूं कि बिरोल अनुमंडल का पहला स्कूल है जो 31 सदस्यीय एक प्रबंध समिति बनेगी, जिस पर काम हो रहा है। उस प्रबंध समिति का महीना में एक बार बैठक होगी। उस प्रबंध समिति के द्वारा वैसे भी तबके के लोगों को संघारित करना है, वैसे लोगों की सूची बनाना है जो वास्तव में गरीब हैं और उनके परिवार के बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं। उन प्रबंधन समिति के द्वारा जो नाम आएगा, वैसे बच्चे को RTE एक्ट के अलावा भी वैसे बच्चे का फ्री एडमिशन होगा और फ्री उनका एडुकेशन होगा, वो भी 10+2 तक।